इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आपको फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे का इस्तेमाल हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। दवा का पूरा लाभ पाने के लिए आपको इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने नाक को हल्के से ब्लो करना चाहिए। इसके बाद एक नॉस्ट्रल में दवा डालते समय दूसरे को बंद रखें तथा इसके बाद तेजी से खींचें ताकि दवा नाक में गहराई तक चली जाए। फिर यही प्रक्रिया दूसरी नाक में दोहराएं। नाक में जलन इस दवा का एक बहुत सामान्य साइड इफेक्ट है। इसके कारण कुछ रोगियों में नाक से रक्तस्राव और सिर दर्द भी हो सकता है। अगर आप साइड इफेक्ट से परेशान हैं या उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताएं। ऐसी कोर्टिकोस्टेरॉइड दवा का इस्तेमाल करने से आप वायरल संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकते हैं, इसलिए आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिन्हें यह संक्रमण है। आमतौर पर आपको ऐसी स्थितियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लक्षणों को और अधिक खराब बनाती हैं, जैसे कि प्रदूषण और धूल कण। साथ ही धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इस दवा का उपयोग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए। अपने डॉक्टर के साथ जोखिमों और फायदों के बारे में चर्चा करना आवश्यक है। अगर आप लंबे समय तक इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आपका डॉक्टर आपकी प्रगति की जांच करने के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे के मुख्य इस्तेमाल। एलर्जी के कारण नाक बहना और छींकना। गंभीर एलर्जिक रिएक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशंस विद इन्फ्लेमेशन और इचिंग। फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे के लाभ। एलर्जी के कारण नाक बहना और छींकना। फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। जब इसे आपके नाक में स्प्रे किया जाता है तो इससे सूजन और जलन कम हो जाता है और बंद नाक, छींक और खुजली या आंखों में पानी आने जैसे लक्षणों से राहत मिलती है। आपके सोडियम या पोटेशियम स्तर में उच्च रक्तचाप या बदलाव होने की संभावना कम होती है। यह दवा पराग, धूल के कण और मोल्ड जैसे पदार्थों के प्रभाव को ब्लॉक करने के लिए आपके नाक में काम करती है, जो एलर्जी से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकता है। इससे आपके लिए एलर्जिक रिएक्शन होने की चिंता किए बिना अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां करना आसान हो जाएगा। हो सकता है कि यह तुरंत ही असर न करे, इसलिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से इसका उपयोग करें। अगर एक सप्ताह के बाद आपको कोई सुधार नहीं दिखता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशंस विद इन्फ्लेमेशन और इचिंग। फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे त्वचा में सूजन और खुजली वाली स्थितियों जैसे कि एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और सोरायसिस के इलाज में प्रभावी है। यह शरीर में रसायनों के कार्यों को कम करके काम करता है जो त्वचा की सूजन का कारण बनते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर यह एक सुरक्षित और प्रभावी इलाज है। यह चिड़चिड़ेपन के प्रति त्वचा के रिएक्शन के कारण होने वाली लालिमा, लाल चकत्ते, दर्द या खुजली को कम करता है। इस प्रकार यह आपकी दिखावट में परिवर्तन के साथ ही आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बेहतर बनाता है। आपको हमेशा इसे डॉक्टर की पर्ची में बताए अनुसार उपयोग करना चाहिए और दवा को केवल बताई गई मात्रा में ही लगाना चाहिए। पूरे लाभ प्राप्त करने के लिए बताई गई अवधि तक इसका इस्तेमाल करते रहें। फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। फ्लोमिस्ट के सामान्य साइड इफेक्ट। नाक में जलन, सिर दर्द, नाक से खून बहना। फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवाई को डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि में लें। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जांच कर लें। बोतल टिप को एक नासिका में डालें और दूसरे नासिका को बंद करें। अपने नाक के दोनों तरफ नाक को दो भागों में अलग करने वाले कार्टिलेज से दूर स्प्रे को डायरेक्ट करें। जैसा कि आप स्प्रे करते हैं, धीरे सांस लें और सिर को सीधा रखें। दूसरी नाक से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।